हेलो दोस्तों, ये बात साल 2018 की है जब मनजोत कालरा नाम का एक खिलाड़ी अखबारों में सुर्खियां बटोर रहा था। हर जगह कालरा के ही चर्चे थे। वजह थी अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम यानी भारतीय टीम का कालरा हिस्सा थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कालरा ने 101 रन की धमाकेदार पारी भी खेली थी और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इनको खरीदा था। लेकिन 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 कहानी में एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि मनजोत कालरा को DDCA मतलब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने बैन कर दिया। एज फ्रॉड के मामले में अंडर 16 और अंडर 19 में मनजोत कालरा पर बैन लग गया। खिलाड़ी ये सुपरस्टार था लेकिन बैन ने इस खिलाड़ी के करियर को थोड़ा ब्रेक लगा दिया। अब अगर डोमेस्टिक सर्किट की बात करें तो मनजोत कालरा एक ए लिस्ट मैच और दो T20 मैच खेले है। IPL में अभी तक उनका डेब्यू हुआ नहीं है। देखना ये होगा कि इस बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम फिर से उनको लेती है या नहीं। जय हिंद।